नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल मास्टर जी में। सो गाइस, जब भी हम मंत्रा की ऑफिशियल साइट पे मंत्रा के ड्राइवर डाउनलोड करने जाते हैं तो यहाँ आपको जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको पूरी डिटेल आपकी भरनी पड़ती है, आपकी कंट्री नाम, OTP, ईमेल आईडी। तो दोस्तों, फिर हमारे OTP जब जनरेट करते हैं तो OTP भी नहीं आता है हमारे मोबाइल पे, ईमेल पे। तो आज के वीडियो में डायरेक्ट आप OTP के बिना कैसे ड्राइवर और आईडी सर्विस डाउनलोड कर पाओगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ कोई भी सर्च कर लेना है। यहाँ आपको सर्च करना है FPS हेल्प गुजरात। ओके, यहाँ आपको FPS हेल्प गुजरात टाइप करना है, फिर एंटर लगा देना है। जैसे ही एंटर लगाओगे ये पहले ही साइट आपको मिल जाएगी FPS हेल्प नाम की। ओके, तो सिंपली इस साइट को आपको विजिट करना है, उसको सिंपली ओपन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आपको साइट ओपन करते हैं तो आपको साइट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पहली पोस्ट मंथा की है। ओके, तो यहाँ अलग अलग पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको पोस्ट में नहीं जाना है, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है। दूसरा ही आपको मंथा ड्राइवर्स एंड RD सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें जो मंथा का ड्राइवर डाउनलोड का पोस्ट है वो सिंपली ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको ड्राइवर्स एंड RD सर्विस डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड लिंक मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ जो भी मंथ्रा का ड्राइवर है वो आपको यहाँ 9.2.0 उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, 1 और 2 लिंक दिया गया है, तो आपको पहली लिंक पे और दूसरी लिंक दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ जो मंथ्रा के ड्राइवर है वो हमने अपने ड्राइव में रखे हुए हैं, डायरेक्ट यहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो सिंपली इस तरह से कुछ साइट ओपन होती है। ओके, तो ड्राइव्स गूगल्स की साइट है, यहां से हमने ड्राइव में अपने जो मंथ्रा के ड्राइवर्स है वो रखे हुए हैं। तो सिंपली आपको यहां एक डाउनलोड वाला ऑप्शन शो करेगा इस तरह से। तो आपको यहां सिंपली डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा, एक नई ये साइट सिंपली ओपन होगी। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। दोस्तों, जब पहले टाइम आप करोगे तो थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जो ड्राइव्स है उसमें थोड़ा वेट भी लग सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन है वो आ जाता है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं MF100 9.2.0.0। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करके जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है मंथ्रा का। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा ड्राइव फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, नाउ मित्रों, अब हम जो मंथ्रा की RD सर्विस है उसे भी कैसे डाउनलोड करना है उसके भी हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिंपली हम इसे डाउनलोड होने देते हैं साइट पे, तो हम चलते हैं मंथ्रा की जो RD सर्विस है वो डाउनलोड करने के लिए। ओके, तो सिंपली वो डाउनलोड करने के लिए आपको उसी जो साइट है FPS हेल्प वाली उस पर ही चले जाना है। वहाँ आपको एक नीचे आपको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको जो RD सर्विस है वो 1.0.8 उसका वर्जन दिख जाएगा। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहीं आपको ड्राइव गूगल की साइट पे ले जाएगा। तो सिंपली आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके फिर से डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जो मंथ्रा की RD सर्विस है वो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मंथ्रा की RD सर्विस है वो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों जो RD सर्विस है, ड्राइवर है, दोनों डाउनलोड हो चुका है। कोई भी OTP की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई भी डिटेल भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको यहाँ से मंथ्रा के ड्राइवर है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ओके, जब भी आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो ये काम कर लेना है। आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से अनलॉक पे क्लिक करना है, ये रहा नीचे अनलॉक, और अप्लाई करना है, फिर ओके कर लेना है। ओके, ये करने के बाद ही आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो आपका जो ड्राइवर है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल होगा। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।